हे गाइस, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो खास इम्पॉर्टेंट होने वाला, जो भी यूट्यूबर है उनके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर यूट्यूबर का प्रोफाइल के पास एक अच्छा बैनर होता है जो कि बहुत बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, हर यूट्यूबर के लिए ज़रूरी होता है। तो आज सीखेंगे कि हम जो है यूट्यूब के लिए बैनर कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो कि अगर आप इसे डेस्कटॉप मोड में अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे तो कुछ कुछ हद तक इस तरह दिखेगा आपको। ये देख सकते हैं, कुछ हद तक इस तरह आपको बैनर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन में अपना ओपन करते हैं तो फ़ोन में कुछ इस तरह का दिखता है उसका इंटरफेस, और एक और इंटरफेस दिखता है जब आप यूट्यूब का टीवी ओपन करेंगे। टीवी में जब यूट्यूब ओपन होता है तो उसका इंटरफेस बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसमें जो प्रोफाइल है ना आपका, कुछ बैनर अलग दिखता है, बड़ा दिखता है। YouTube में जब थंबनेल बनाना होता है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, पिक्सल लैब। तो इस एप्लीकेशन का हर यूट्यूबर इस्तेमाल करता है थंबनेल बनाने के लिए। लेकिन हम आज इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके YouTube बैनर बनाएंगे, बिल्कुल प्रीमियम HD क्वालिटी, इसी तरह बिल्कुल का कुछ प्रीमियम। प्रीमियम आप भी बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मे भी आपको समझ ना आए अगर स्किप कर दे तो। प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ, चलिए शुरू करते हैं उसको। आप जैसे ही पिक्सल लैब ओपन करेंगे, ये कुछ इसका इंटरफेस है, कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्री डॉट है, यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद इमेज साइज, सबसे पहला काम इमेज साइज ही होता है कि जो हमारा चैनल का बैनर बनेगा वो किस साइज़ का होगा। यहाँ पे दिया रहेगा आपको ये YouTube चैनल बैनर, ओके, यहाँ पे आके क्लिक करना आपको। तो बैनर के साइज़ का हो गया। अब यहाँ पे और डिलीट जो है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, अभी न्यू टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट का कोई काम नहीं है। सबसे पहले इसको डिलीट कर देना आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी बैनर या पोस्टर के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए। तो सबसे पहले बैकग्राउंड हम यहाँ से थ्री डॉट से क्लिक करके आपको जाना है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। एक अच्छा खासा बैकग्राउंड लेना है आपको, बिल्कुल अच्छा, या तो आप फ़ोटो लगा लें या फिर कहीं से आप बिल्कुल HD क्वालिटी में या डाउनलोड कर लें। पेएबल भी आता है, नॉन पेएबल भी आता है। तो सबसे पहले चलिए हम एक अपने लिए इंटरफेस जो होता है, अच्छा इंटरफेस वाला जो है बैकग्राउंड लेते हैं, और यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, टिक कर देते हैं। चलिए, ये हमारा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल HD क्वालिटी में मिल चुका है। वाला है सबसे इम्पॉर्टेंट काम होने वाला है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट यही पार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्राफ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ का ऑप्शन है। सबसे पहले हम ग्राफ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक ग्राफ जैसा पूरे आपके जो भी आपका डैशबोर्ड है ऊपर, जो भी है आपका खुला हुआ पेज है, फ्रंट पेज है, पूरा ग्राफ जैसा पाई पाई और चारों तरफ से गिर जाएगा। आप इसमें एक और ऑप्शन नीचे मिल जाता है देखने को, यहाँ पे ग्राफ का सेटिंग, कुछ इस प्रकार सेटिंग है यहाँ पे। इस सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे, कुछ और पार्ट खुलेगा। जैसे पार्ट खुलेगा यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि मैन्युअली आप ग्राफ का लाइन सेट कर सकते हो, कितना लाइन आपको री सेट कर सकते हैं आप अपने लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, एक बार आपको दिखा दूँ मैं, फिर यहाँ पे क्या मिलता है, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल गाइड्स, नंबर ऑफ वर्टिकल गाइड्स। ये गाइड्स होता है कि आप कहाँ कितना रख सकते हैं, इसको ग्राफ और गाइड्स दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पहला जो गाइड से थ्री को मिटाकर यहाँ पे 16 कर लेते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 16 ही रखना है, आप दूसरा नहीं चेंज कर सकते हैं, पहले 16 रखना है। और दूसरे वाले में आपको 4 रखना है, 4 4। अब ये हो गया ना कि जो हमारा वर्टिकल लाइन था वो 4 हो गया, और जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन था वो 16 हो गया। जैसे ओके करेंगे इसमें बहुत सारे लाइनें बन जाएंगी आपको, बस अब आपको यही काम करना है। अब इसमें से जो लाइनें हैं उनको हटाना है, उस पर ध्यान देना किस लाइन को हटाना है। जैसे खड़े लाइन थे तो कोने में 4 लाइन खड़े हैं, एक
मैं एक बार दिखा दूँ, चार लाइन खड़े, एक यहाँ लाइन खड़ा है, एक यहाँ लाइन खड़ा है, एक यहाँ लाइन खड़ा है, एक यहाँ लाइन खड़ा है। तो अब हमें क्या करना है ना, ये कोने वाले लाइन को रहने देना है, ये दो लाइन को रहने देना है, बाकी दो लाइन को हमें इसको कट करना है, ये खड़े वाले लाइन को। तो सबसे पहले खड़े वाले लाइन, और ये देखिए सेलेक्ट हो गया, जैसे सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा डार्कनेस इसमें आ जाएगा येलो टाइप का, इसको हम कट करेंगे। कट करने का ऑप्शन हमको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, यहाँ से हम इसको एक बार टैप करेंगे, एक लाइन कट हो जाएगा। सबसे पहले खड़े वाले लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे एक बार टैप करेंगे एक लाइन कट गया। दूसरे लाइन पे आते हैं, दूसरा साइड का दो लाइन छोड़ देंगे, बाकी बीच का लाइन दो हटा देंगे। अब आती है जो बारी है, जो फ्लैट लाइन था हमारा, इसको हटाना है। तो फ्लैट लाइन में चलिए ऊपर, सबसे ऊपर वाला लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और गिन कर पाँच बार, ऊपर से पाँच बार गिन कर कट करना है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ओके। अब नीचे आना, एकदम बिल्कुल बेस में नीचे आना, और नीचे से भी पांच काटना है, एक दो तीन चार पांच, पांच कट गया। अब जो बच गया बीच का लाइन, उसे भी हटा देना है, जो पांचवा लाइन था उसे छोड़ देना है, जो ऊपर से पांचवा लाइन था उसे भी छोड़ देना है, और बीच का लाइन फिर हमें हटाना है। जैसे बीच का लाइन हमारा ये था, ये तीन चार लाइन बीच का, ये बस ये लाइन हमको बीच का हटाना है, ये देख सकते हैं बीच का लाइन जो है हमें ये कट करना है, लास्ट वाला लाइन छोड़ देना है और ऊपर का लास्ट वाला। तो चलिए हमारा बीच में से सेलेक्टेड है, हम कट वाले ऑप्शन पे चलते हैं, कट करते जाएंगे, एक दो तीन चार, ये हमारा बिल्कुल कट हो गया लाइन। अब हमारा जो, अब हमें एक चीज़ और समझ लेना है, अब इसे ग्राफ को हम बंद कर देते हैं, ये ग्राफ ऐसे ही पूरे स्क्रीन पर रखना है, इसको हटाना नहीं है। अब हमें तीन चार पार्ट देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। पहला देखिए मैं कुछ समझा देता हूँ, जो पूरा आपको पूरा पूरा एरिया जो हमारा बैकग्राउंड लगा है, ये सारा एरिया जितना भी एरिया है, अगर हम टीवी पे यूट्यूब को देखते हैं, बैनर ओपन करते हैं किसी प्रोफाइल को, तो ये सारा दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम डेस्कटॉप मोड में करते हैं, तो हमें इतना दिखता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप ध्यान दीजिए। में यूट्यूब ओपन करते हैं तो कुछ इतना ही आपको देखने को मिलता है, किसी भी यूट्यूबर का आप देख लेंगे, इतना ही इंटरफेस आपको मिलेगा बैनर में, बस इतना ही, यही बीच का देखता हूँ। सबसे पहले आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म गैलरी, प्लस के ऑप्शन से फॉर्म गैलरी में जाएंगे, और हमने एक PNG छोटा सा टेक्निकल टाइप का कुछ PNG है, इसको ऐड किया, डाउनलोड किया था, तो इसको हम इसमें फिट करेंगे। ये देखिए हमारे पास आ गया है, तो सबसे पहले हम इसको फटाफट कुछ इस प्रकार से हमको अरेंज कर लेना है इसमें। देखिए ये फिट हो गया हमारा, इसी बॉक्स के अंदर फिट करना है, अगर बॉक्स से बाहर कर देंगे तो मोबाइल में नहीं दिखेगा, तो अगर मोबाइल में दिखाना चाहते हैं किसी को भी, तो ये बॉक्स के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए हम बॉक्स के अंदर अपना अरेंज कर लिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा। अब थोड़ा सा हम इसमें कलर को फिट कर देते हैं, चलिए हम इस ना, तो यहाँ प्लस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट में हम कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे हम अपना लिखना चाहते हैं, या और कोट्स को हम इसी में फिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको अपने हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं अरेंज करना है, क्योंकि ये पूरा जो है इतना ही में आपको मोबाइल का पूरा डैश मिलता है आपको देखने के लिए। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन से जूम भी कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ के जूम से, सॉरी जूम करके आप खुद इसको अरेंज कर सकते हैं। और कलर लेने के बाद आपको ग्रेडियंट कलर, चलिए हम कोई ग्रेडियंट कलर, कहने का मतलब दो पार्ट में कलर होता है, तीन पार्ट में कलर होता है, तो चलिए हम कुछ उस तरह का कलर को इसमें फिट कर देते हैं। देखिए हल्का आधा साइड आधा पार्ट इसका येलो वाइट है, तो कुछ इसी तरह का इस ये कलर था ग्रेडियंट में, यहाँ पे देख सकते हैं हमने उसी को फिट किया। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसमें दिया रहता है ऑलरेडी। चलिए ओके करते हैं, टाइम को थोड़ा लॉस ना करें, हम फटाफट कर लेते हैं, आपको समझ आना चाहिए। चलिए अब हमारे चैनल का नाम भी लिखना है इसमें, या फिर अपना फोटो लगाना है, तो चलिए हम चैनल का पहले नाम लिख लेते हैं।
पे एक लेयर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो जो भी आप कार्य करते जाएं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा पूरा लेयर खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे खुल गया, जो आपने कर दिया उसको यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन मिलता है, उसको लॉक करते जाएं। देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, जैसे लॉक करेंगे ये लॉक होता चलेगा। इसे ये फ़ायदा होगा ना कि जब आप स्क्रीन पे बहुत सारे हाथ इधर उधर छेड़ते हैं तो हो सकता है कि उसका जो है उसका जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, इधर उधर कहीं ना कहीं वो अलग हो जाए, तो फिर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप उसे लॉक कर दें। अब हम इस पर कुछ भी करेंगे इधर उधर वो नहीं हटेगा। चलिए अब यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, लेते हैं जो हमने किया काम उसको लॉक कर देते हैं फटाफट, जो जो हमने किया सब लॉक हो गया। यहाँ पे एक फ्रॉम गैलरी से लेते हैं और हमारा जो है यहाँ पे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं पहले से ही, तो इसको ओके करके हम इधर साइड में अरेंज कर देते हैं। इस साइड थोड़ा सा बच रहा है मेरा कुछ पार्ट, इस साइड आप देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ इस साइड पार्ट बच रहा है, जो कि हमारे ये डेस्कटॉप पे दिखेगा, आपको मोबाइल फ़ोन में ये नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा हम इसमें और चीज़ ऐड कर देते हैं, सब्सक्रिप्शंस का जो हमारा बटन होता है इसको थोड़ा हम ऐड कर लेते हैं, यहीं पे हम इसको ऐड कर लेते हैं नीचे में। तो ये सब पिंग PNG फाइल है, ये सब लोड किया हुआ है, आप पे ये सब लोड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से लोड भी कर सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं इसको, वेबसाइट्स पे बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं इस तरह के। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया, आप भी अरेंज कर लेंगे कुछ अपने, जैसे सेलेक्ट किया चैनल का लोगो, हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं चैनल का लोगो, उसके अंदर फिट कर देते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि फिटिंग करने में आसानी हो। अब इसे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमारा फिट हो जाए। अब यहाँ पे लाएंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट हम इसे, आप इसमें आप अपने से एक्स्ट्रा वर्क भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा जगह पड़ा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आपको इतना दूर में करना है तो इतना दूर में आपको मोबाइल में दिखेगा, इतना दूर में करेंगे इस एरिया में तो डेस्कटॉप पे दिखेगा इस एरिया की तरफ। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं, उसका ऑप्शंस मिलता है वहाँ से, आपको क्या करना है सेव एज इमेज, सेव एज इमेज करेंगे तो यहाँ पे सेव टू गैलरी, ये तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।